फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी स्माइल कुकिंग। आज हम फ़िश कबाब बना रहे हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है इसकी और खाने में भी बहुत मज़े के लगेंगे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने बोनलेस फिंगर ले लिए हैं, आधा किलो ये बोनलेस है सुरमई फ़िश की। इसको मैं एक बर्तन में डाल रही हूँ और इसमें क्वार्टर जो है पानी शामिल किया करेंगे हम इसमें। इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से ही पानी में अच्छी तरीके से ये सॉफ्ट हो जाती है। पानी आपने फेंकना ही नहीं है, इसी में ही इसको ड्राई कर लेना है। क्वार्टर मैंने पानी डाल दिया है, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च और एक चाय के चमचे से थोड़ा सा कम मैंने नमक शामिल कर रही हूँ। और इसको चूल्हे पर रख देंगे कवर करके। और ये हमारी जो है फ़िश तैयार हो गई है। अभी देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, इसको अलग एक आप बाउल में निकाल लें। मैंने दो दरमियाने साइज़ के आलू बॉईल कर लिए हैं और उसको मैश कर लिया है। पहले हम इस फिश को चमचे की मदद से अच्छी तरीके से मैश करेंगे, उसके बाद हमने इसमें आलू शामिल करने हैं जो कि मैंने पहले ही बॉईल करके मैश कर लिए हैं और इसमें कोई चीज़ शामिल नहीं की है मैंने। और इसको इसमें मिक्स करना है। इसके बाद इसमें हमने जो है खुश्क मसाले शामिल करने हैं, एक चाय का चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर, एक चाय का चम्मच रोस्टेड धनिया पाउडर, एक चाय का चम्मच काली मिर्च, एक चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा और एक चाय का चम्मच गरम मसाला, दो चाय के चम्मच मैंने ब्राउन प्याज शामिल की है। इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लें, तमाम अज्जा एक साथ मिक्स हो जाएं, फ़िश भी, आपके आलू भी और तमाम मसाले। अब इसमें हमने हरा मसाला शामिल करना है, तीन से चार मोटी लहरी मिर्चें चॉप करके डालेंगे और आधा कप के करीब इसमें जो है हरा धनिया डालेंगे चॉप किया हुआ बारीक। अब इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लें। और इसमें नमक कम था मैंने, अब इसमें आधा चाय का चम्मच नमक शामिल कर दिया है। नमक ज़रूर चेक कर लें क्योंकि तेज़ अगर हो गया तो आपके कबाब ख़राब हो जाएंगे। अब मैंने एक दरमियानी प्याज चॉप करके छोटी काट ली है बिल्कुल, और इसमें मैंने पुदीना हाफ कप ले लिया है, इसको भी चॉप कर लिया। इन दोनों अज्जा को मिक्स करना है, ये इसकी स्टफिंग है, कबाब के अंदर डालेंगे हम इसको। और एक आधा लीमू मैंने बड़े साइज़ का इसको निचोड़ के इसमें डालना है। और इसके बाद तमाम कबाब जो है हमने बना लेने हैं। स्टफिंग के लिए हमने पुदीना और प्याज को चॉप कर लिया है, ये इसके अंदर स्टफ़ किए जाएंगे। अब ये देखें मैं किस तरीके से बना रही हूँ कबाबों को और इसमें स्टफ़ कर रही हूँ। इसी तरीके से आप भी बनाइए और तमाम कबाबों को बना के रख लीजिए। इसकी बाइंडिंग के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आलू से इसकी अच्छी खासी बाइंडिंग हो जाती है और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे आपके। और आप इसको ईज़िली बना के एयर टाइट कंटेनर में 6 से 7 दिन के लिए फ्रीज करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा अरसे के लिए नहीं क्योंकि आलू है मॉइस्चर आ जाएगा। इसी तरीके से आप तमाम कबाब को बना लीजिए। देखें कितनी आसान रेसिपी। हमारे चैनल को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमारे रेसिपीज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। आपको पसंद आ रही है कमेंट बॉक्स में आप बताइए आपको कैसी लग रही हैं रेसिपीज़ हमारी। इस तरीके से अब आप तमाम कबाब को बना लीजिए। देखें कितनी आसान रेसिपी है और बहुत जल्द बनने वाली और मज़े में खाने में बहुत मज़े की लगेगी आपको। बच्चे वैसे फ़िश नहीं खाते हैं, इस फॉर्म में खा लेंगे कबाब की शक्ल में और बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। ये देखिए मैंने तमाम कबाब बना लिए हैं। अब इसके लिए मैंने खुश्क मैदा, खाली खुश्क मैदा जो है इसके ऊपर कोट करेंगे तमाम कबाब के ऊपर। आप इसके ऊपर कोई अंडा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी फॉर्म में रहेंगे और इनको हम शैलो फ्राई करेंगे। तमाम कबाब को आप मैदे में कोट कर लें इस तरीके से, इजीली कोट हो जाएंगे। और इसको हमने एयर टाइट कंटेनर में रख रही हूँ और इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। जितने मुझे अभी ज़रूरत है मैं फ्राई कर लूँगी, बाकी मैं इनको फ्रीज़ कर लूँगी। इसी तरीके से आप भी इसी कर सकते हैं, तमाम कबाबों को इजीली एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। बच्चों के लिए एक हेल्दी डिश है, फ़िश वैसे भी हेल्दी बहुत है हर एक के लिए, तो आप इजीली इसको बना सकते हैं इस फॉर्म में और बच्चे शौक से खा लेंगे। अब शैलो फ्राई करना है। एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और कबाब को मैं डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए। तमाम कबाबों को आप इजीली फ्राई कर लें शैलो और बहुत जल्द तैयार हो जाते हैं।
कितने मज़े की रेसिपी है, आपको अंदाज़ा होगा, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और ये हमारे कबाब तैयार हो गए हैं, देखिए खाने में मज़ेदार। हमारी रेसिपीज़ को देखते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को और शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिए।